दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लॉन्ग जंप कैसे करेंगे। वैसे तो सभी जानते हैं लॉन्ग जंप किस तरह की जाती है, लेकिन लॉन्ग जंप करने का सही तरीका आज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको लाइफ में परफेक्ट आपको लॉन्ग जंप माननी है तो आपको उसमें काफ़ी बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि आपको उस लाइन से आपकी कितनी दूरी होनी चाहिए, आपका पहला पैर जिस पैर को आप यूज़ करते हैं उठाने में वो आपका पैर कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ से माननी चाहिए वीडियो। आइए मेरे साथ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने मेरा कूदने का जो पिच है वो आप देख रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक करीब मेरी दूरी होगी 40 से 45 फीट के बीच में होगी। तो आपको इससे ज़्यादा दूरी नहीं लेनी है, आपकी रफ्तार इसी दूरी में बनेगी। अगर आप ज़्यादा दूर हुए तो आप उसमें थक सकते हैं, पैर आपका रफड़ सकता है। तो ध्यान दें आपकी दूरी ज़्यादा ना हो। तो आप ये देखिए, पॉज करो, एक बंदा यहाँ खड़ा हो, एक वहाँ पे, तो कूदने के लिए दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेरा पैर कौन सा पहले उठा था, मेरा लेफ्ट पैर था जो आपने देखा होगा। पहली मेन बात यह है कि आपका जो पैर है वो लाइन से पीछे होना चाहिए, ना ज़्यादा पीछे हो और ना लाइन के आगे हो। लाइन के आगे होगा तो आपका फाउल है, अगर पीछे हुआ तो तुम अपनी दूरी से पीछे गिरोगे। तो इसलिए आपका जो पहला पैर है वो आपका लकीर से कुछ इंच पीछे होना चाहिए, ज़्यादा भी पीछे ना हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने अपना पहला पैर उठाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरी परफेक्ट लॉन्ग जंप कैसे होती है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ओके। तो मैं शुरू करता हूँ। कि देखा आपने, मैंने अपनी लॉन्ग जंप को पूरा किया, लेकिन मैं थोड़ा गिर गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें पॉइंट कर सकता है। तो बस आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा, आपका पैर लाइन से थोड़ा ही पीछे हो और आपकी दूरी भागने की ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड।